ओमेक्स मीडिया ने साल 2021 के तीसरे हफ्ते की टीआरपी लिस्ट फैंस के साथ शेयर कर दी है। इस हफ्ते भी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अनुपमा को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके साथ ही द कपिल शर्मा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुमकुम भाग्य, गुम है किसी के प्यार में, उडारिया और साथ निभाना साथिया 2 जैसे शोज ने टीआरपी लिस्ट में जगह बनाई है। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते आपके पसंदीदा शो को कौन सी पोजीशन मिली है। सबसे पहले बात करेंगे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने इस हफ्ते भी अपना दबदबा बनाया हुआ है। इस हफ्ते भी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। फिर बात करेंगे शो अनुपमा की। जी हाँ, रूपाली गांगुली, गौरव खन्ना और सुधांशु पांडे स्टारर सीरियल अनुपमा की रेटिंग लगातार गिर रही है। इस हफ्ते भी सीरियल अनुपमा को नंबर 2 की पोजीशन से काम चलाना पड़ रहा है। फिर बात करेंगे द कपिल शर्मा शो की। जी हाँ, द कपिल शर्मा शो ने लंबे समय से नंबर 3 की पोजीशन पर अपनी धाक जमाई हुई है। कोई भी शो द कपिल शर्मा शो को टस से मस नहीं कर पाया। फिर बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है की। बीते 2 हफ्तों की तरह सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने इस हफ्ते अपने नंबर 4 की पोजीशन को बरकरार रखा है। शो में अक्षरा और अभिमन्यु की लव स्टोरी फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। फिर बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में की। जी हाँ, सीरियल गुम है किसी के प्यार में ने एक बार फिर टीआरपी लिस्ट में शानदार वापसी की है। इस हफ्ते सीरियल गुम है किसी के प्यार में को 5वीं पोजीशन मिली है। बीते हफ्ते सीरियल गुम है किसी के प्यार में नंबर 8 पर नजर आया था। फिर बात करेंगे शो सारेगामा पा की। जी हाँ, जी टीवी के रियलिटी शो सारेगामा पा बीते हफ्ते 7वें नंबर पर था। इस हफ्ते सारेगामा पा को 1 नंबर का इजाफा हुआ है। इस हफ्ते शंकर महादेवन और हिमेश रेशमिया के शो ने टीआरपी लिस्ट में नंबर 6 की पोजीशन पर धाक जमाई है। फिर बात करेंगे शो कुमकुम भाग्य की। जी हाँ, इस हफ्ते सीरियल कुमकुम भाग्य की रेटिंग में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते ये शो नंबर 5 से सीधा नंबर 7 पर आ गया है। फिर बात करेंगे शो उडारिया की। जी हाँ, कलर्स टीवी के सुपरहिट शो उडारिया ने इस बार टीआरपी लिस्ट में धमाकेदार वापसी की है। इस हफ्ते उडारिया ने नंबर 8 पर कब्जा कर लिया है। फिर बात करेंगे शो साथ निभाना साथिया 2 की। जी हाँ, बीते हफ्ते साथ निभाना साथिया 2 ने टीआरपी लिस्ट में वापसी की थी। पिछली बार की तरह सीरियल साथ निभाना साथिया 2 ने टीआरपी लिस्ट में नंबर 9 पर कब्जा कर लिया है। और अंत में बात करेंगे शो कुंडली भाग्य की। जी हाँ, कुंडली भाग्य की हालत भी टीआरपी लिस्ट में खराब हो चुकी है। कुंडली भाग्य इस हफ्ते नंबर 10 की पोजीशन पर है। इस हफ्ते कुंडली भाग्य को 5 रेटिंग का नुकसान हुआ है।